चंद्रपुर के एमआईडीसी परिसर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुई डकैती के कुछ जड़े पुलिस के हाथ लगने की खबर मीडिया में फैलने से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों में नाराजगी देखी जा रही है। क्या है इस मामले का सच, जानते इस खबर में। चंद्रपुर शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित एमआईडीसी परिसर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डकैती कर लाखों रुपए उड़ाने वाले डकैतों के पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ी थी। इस डकैती के कारण पुलिस विभाग पर कई प्रश्न चिन्ह उपस्थित किए जा रहे थे। हालांकि ये डकैती बड़ी होने के कारण पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच के बारे में किसी को खबर ना देने की सूचना अपने विभाग को दी थी, मगर उनके विभाग के किसी अधिकारी ने यह खबर मीडिया तक पहुंचाई कि पुलिस विभाग के हाथ दो संदिग्ध आरोपी हाथ लगे हैं जिनका इस डकैती से संबंध है, ऐसा मीडिया में चर्चा है। साथ ही इसी दौरान एक सिलेंडर कटे हुए स्थिति में विसापुर नांदगांव पोड़े मार्ग पर दिखा और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस डकैती में डकैतों द्वारा इसे इस्तेमाल किया गया था और इसका इस्तेमाल तिजोरी काटने के लिए किया गया था। एलसीबी के पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावार ने पुलिस के अलग अलग दस्तों को इस डकैती के जांच के लिए लगा दिया था। खबर है कि यह दोनों संदिग्ध आरोपी चंद्रपुर के निवासी है, उनके साथ अन्य कौन कौन शामिल है इसकी जांच पुलिस बड़ी सरगर्मी से कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के कड़े निर्देश के बाद भी जांच की गतिविधियां मीडिया तक पहुंचाने वाले पुलिसकर्मी को वरिष्ठ अधिकारियों ने जमकर डांटने की भी जानकारी प्राप्त हुई है। साथ ही इस पुलिसकर्मी पर कार्रवाई के संकेत भी दिए गए हैं। पटौली से हमारे विशेष संवाददाता संतोष यादव की रिपोर्ट।